ସକାଳୁ ଉଠିବା ପରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କୁ କେବେ ବି ଦେଖିବେ ନାହିଁ ଚରିତ୍ରହୀନ ନାରୀ। ଲଙ୍ଗଳା ଛୁଆ, ଏକ ଆଖିଆ ଲୋକ, କୃପଣ ଲୋକ ଓ ଭିକାରୀ ଘରେ କେବେ ବୁଢ଼ିଆଣୀ ବସା ବା ବୁଢ଼ିଆଣୀ ଚାଲ ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଘରେ ନକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜା ବଢ଼ାଇଥାଏ। ସମସ୍ତ ମଣିଷ ଏହି ଚାରୋଟିକୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି। ପ୍ରଥମ द्वितीय श्रेणी रे पढ़ाउथिबा शिक्षकंकु शारीरिक संपर्क रखिथिबा स्त्रीकु विपदरे साहाज्य करिथिबा सांगकु एवं पुओ विवाह करिबा परे तार बापा मांकु एही चारि जणंकु केबे भी भूलिबे नाही। सकाळु उठिला परे प्रथमे आपण पापुलीकु देखिबे ओ कहिबे करागे बसते लक्ष्मी कर मध्ये सरस्वती कर मूले तो गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। घरे जदि चुचुंद्रा देखंती तेबे लक्ष्मी आगमनर सूचना मिले एवं घरे उपरे बाघरे थिबा गच्छ उपरे कोइली बारंबार आसिराबे तेबे एहा बहुत भल समय आसिबार सूचना दिए। आपण माने जानिथिबे कि बेंघ पोबेइले वर्षा हुए। जदि पिंपुड़ी धाड़ी उपर को उठंती तेबे वर्षा हेबो आउ तळकु खसिले मरुड़ी हेबो। प्रजापति जदि देहरे बसे तेबे प्रणय सुख मिलिबो एवं बुढ़ियाणी जदि देहरे चढ़े तेबे नूतन वस्त्र लाभ हेबो। सोमवार बुधवार एवं शुक्रवार एही बाररे घरु बाहर को बाहरिबा बेले बाम पाद देई घरु बाहरंतु ओ मंगलवार गुरुवार शनिवार रविवार घरु बाहर को बाहरिबा बेले घर द्वार बंध आरपट को डाहाण पाद देई घरु बाहरंतु। एहा द्वारा यात्रा मंगल हेबे आपणंकर मंगल हेबो। पांचटी न को सबुबेले सतर्क रहिबे। नारी, नदी, नेया, नाग, नरेश चारोटी जिनिष थरे चलीगले आउ फे धनुरु तीर बंधुकरु गुली पाटीरु कथा शरीररु प्राण झियो माने बाहा हेबा परे जौतुक नियंती। जौतुकर आक्षरिक अर्थ हेउछि जो स्त्री स्वामी को जम पाखरु फेरे आनिबो ओ बहु हेबो परे उत्तर केबे फेरेबुनी तू तू सुनिबु तू बोली काहा को कहिबु नाही। कन्या थिलु कुलबधु हेलु दुई कुलरु सम्मान रखिबु। गाधेई सारिबा परे समस्ते सूर्यंकु नमस्कार करंतु। गाधेई की पूजा करिबा परे लुण टिके पाटीरे पकांतु। मने रखिबे बाधेई सारिबा परे तेल को स्पर्श करिबे नाही। मुढी को खाइबे नाही कि स्पर्श करिबे नाही। प्रतिदिन अति कमरे आठ ग्लास पानी पियंतु एवं पानी पीबा बेले बसिकी पानी पियंतु। मने रखंतु पानी रे केबे मलमूत्र त्याग करंतु नाही। समस्ते मंदिर को गला बेले प्रथमे बाहन को मुंडिया मारंतु तापरे घंटी बजांतु तापरे ठाकुर को दर्शन करंतु। एहा कले आपणंकर मंगल हेबो। जदि गोमाता कांदंती किंबा तांको आखि तळे लुहरे कला दाग पड़ी तेबे जानिबे जे छ मास भितरे एक विपद पड़िबो। बासन मांजिला बेले बासनर शब्द जेपरी अधिक हेबाकु देबे नाही। बासनर शब्द जेते अधिक हेबो मा लक्ष्मी सेते दूरकु पुरकु चली जिबे। चूड़ी आपण जेते अधिक पिंधिबा कथा पिंधंतु सेथिरे किछि असुविधा नाही। जदि आपण चूड़ी को खड़ खड़ करुथिबे चूड़ी द्वारा अधिक शब्द करुथिबे तेबे एहा को बंद करि दियंतु। एहा द्वारा आपणंकर ओ स्वामीर अमंगल होइथाय। खाद्य खाइबा बेले बाम हाथ को गोडरे रखि खाइबे नाही एवं खाइबा बेले मुंडरे गामुछा टोपी आदि पिंधि खाइबे नाही। बिछा को केबे मारिबे नाही कारण ता बापा मांकर गोटिए संतान होइथाय। जदि आपण बिछा को मारि दियंती तेबे आपण गोटे बस को लोक करि देबे बिछा को तबी दियंतु किंतु मारंतु नाही। यात्रा समय रे जदि आपण बिछा देखंती तेबे यात्रा शुभदायक होइथाय। जदि घरे बिछा देखंती तेबे आठ दिन मध्यरे आपणंकर मनस्कामना पूर्ण हेबार सकेत मिलिथाय। सबुबेले अन्य मानंकर साहाज्य करंतु अन्य मानंकु निजर सक्षम अनुसारे दान दियंतु। एहा करिबा द्वारा आपणंकर ओ आपणंख परिवारर मंगल हेबो। महादेवंकु गणेशंकु एवं भैरवंकु केबे भी तुलसी पत्र अर्पण करिबा उचित नुहे।
एवं सूर्यंकु शंखर जळरे अर्घ्य दान करिबा अनुचित। तुलसी पत्र को केबे भी अगाधुआ तोळीबा उचित नुहे एवं नगाधई तुलसी पत्र तोळी ठाकुरंकु अर्पण कले एहा स्वीकार होइनथाए। तुलसी पत्र 11 दिन पर्यंत बासी होइनथाए, एहा उपरे जल छिंचन करी ठाकुरंकु अर्पण करा जायथाए। एकादशी, द्वादशी, संक्रांति, रविवार एवं संध्या समय रे केबे भी तुलसी पत्र छिंडाइबा उचित नुहे, एहा अशुभ एवं अमंगलकारी होइथाए। माता दुर्गांकु पूजा करिबा समय रे दुब अर्पण करिबा उचित नुहे, तेबे गणेशंकु पूजा समय रे दुब अर्पण कले कल्याणकारी होइथाए। बुधवार एवं रविवार दिन ओसु गछरे जल रोपण करिबा उचित नुहे, सेहिपरि रविवार दिन दुब छिंडाइबा अनुचित, एहा शुभप्रद होइनथाए। सूर्यास्त परे केबे भी गच्छ वृक्षरे पानी देबा उचित नुहे एवं पत्र छिंडाइबा अनुचित, एहा अशुभ एवं अमंगलकारी होइथाए। सूर्यास्त परे केबे भी कपड़ा धोइबा किंबा सुखाइबा अनुचित, एहा अशुभ होइथाए एवं नकारात्मकता वृद्धि हेबा सहित रोगग्रस्त हेबार संभावना रहिथाए। सूर्यास्त परे केबे भी खाद्य द्रव्य किंबा पानीय जल को खोला रखिबा उचित नुहे किंबा भल भावे ढांकी की रखिबा उचित, एहा द्वारा खाद्य रे नकारात्मकता वृद्धि होइनथाए। सब्सक्राइब करि दियंतु ओ वीडियो को लाइक करि दियंतु। गरुड़ पुराण अनुसारे सूर्यास्त परे केबे भी मृत व्यक्ति को अंतिम संस्कार करिबा उचित नुहे, एहा द्वारा परलोकरे तांकु कष्ट हेबा सहित आगामी जन्मरे तांकर अंग खराब होइथाए।